Well, hello folks, welcome to another episode of Bollywood This Week. My friend Maman Ansari, aap subhi loka, Sunny Deol ki film Gadar Dwitiya, yani ke Gadar 2 ke day number 6 ke box office collection prediction, audience occupancy, show count and the all important advance booking episode mein tahe dil se hardik swagat karta hoon. Kya ho raha hai mera bhai? My friends, on public demand, this is for all of you. Damad hai wo Pakistan ka, usse nariyal do. टीका लगाओ वरना दहेज में इस बार लाहौर के साथ बॉक्स ऑफिस भी ले जाएगा। वेल फ्रेंड्स, तारा सिंह इज ऑन द रैम्पेज, ये जो डायलॉग है उसे नारियल दो टीका लगाओ वो इतना फेमस हो चुका है। नंबर वन, सेकंड वन बीइंग ऑब्वियसली कटोरा लेके भीख मांगोगे तो भीख भी नहीं देगा कोई, वो वाला तो एपिक क्रेज है, वो जहां जहां थिएटर में बज रहा है इट इज कंप्लीट पैंडेमोनियम। लेकिन गाइस, अब आज से क्या लोगों के दिलों में इच्छा थी कि मंडे आएगा मंडे आएगा, मंडे आके चला गया, मंडे फिल्म गिरी नहीं। एंड अब लोगों की जुबान पर है कि वेडनेसडे ये फिल्म धड़ाम से गिरेगी, तो क्या ये फिल्म वेडनेसडे धड़ाम से गिरने वाली है? नहीं। वेल फ्रेंड्स, अब इस फिल्म को कोई फर्क पड़ता नहीं है, नाउ इट्स एमिंग फॉर द रिकॉर्ड्स। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि अपने साथ ये कौन सी पिक्चर को ट्रेन लेके निकलते हुए आगे चली जाती है, ये क्वेश्चन है कि नाउ वॉट रिकॉर्ड्स गदर विल मेक। ओके, ये गदर का हिट फ्लॉप ये होने का सिलसिला समाप्त हो चुका है। गदर इज ऑलरेडी एन ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर एंड गाइस, बहुत जल्दी ये फिल्म 300 करोड़ क्लब में जाने वाली है। उसके बाद इट्स अ वेट एंड वॉच गेम कि कौन सी फिल्म है, चाहे वो बजरंगी भाईजान हो, पीके हो, उसके बाद तुम्हारा नारायण वॉर हो, उसके बाद संजू हो, दंगल हो, KGF हो, ये किन किन पिक्चरों को बीट करती है, क्या बाहुबली 2 के हिंदी वर्जन को बीट करती है एंड क्या ये पठान के कलेक्शंस को बीट करती है, ये सब अभी देखने लायक रहेगा। तो ये फिल्म चली नहीं चली वो सब दौर खत्म हो गया। मैंने आपको एपिसोड शुरू करने से पहले ही कहा था इट्स अ 5-day गेम, 5 दिन में मैं निकला हो पैसे लेकर, अनिल शर्मा उत्कर्ष सानी पैसे ले गए, ये हुआ वही हुआ है आप सभी लोगों के सामने। इट्स अ कंप्लीट क्लीन ओवर इन द 5 डे एट द बॉक्स ऑफिस। चलिए, आज का बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड है तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम शुरू करते हैं। सो गाइस, डे नंबर 1 इज 40.1, डे नंबर 2 43.80, डे नंबर 3 51.70 एंड डे नंबर 4 38.70। इसी के साथ इस फिल्म ने अपने 4 दिन में इंडिया बॉक्स ऑफिस में 173.58 करोड़ की कमाई कर ली है। अब गाइस, कल रात का मेरा प्रेडिक्शन था कि फिल्म कहीं ना कहीं 55 करोड़ जाएगी बिकॉज देवर कैपेसिटी इश्यूज। कल ही रात को मैंने अपने पिन कमेंट्स में बता दिया था आप लोगों को किस तरह से स्पेशली द नेशनल चेन ऑफ मल्टीप्लेक्सेस आर ट्राइंग ए लेवल बेस्ट टू अकोमोडेट 11, 11:15, 11:30, एक प्रॉपर्टी में यू हैव 9 स्क्रीन्स, मैक्सिमम 9 स्क्रीन्स तो रहते ही रहते हैं इन अ प्लस पीवीआर मल्टीप्लेक्स प्रॉपर्टी, चाहे वो लक्स हो, चाहे वो PXL हो, चाहे वो PVR हो, उनकी जितने प्रॉपर्टीज है वहां पर लोग शोज अकोमोडेट कर ही देते हैं। तो इसी का कारण है अब गाइज यहाँ पर गदर 2 विल बी हिटिंग 56 to 57 करोड़ रुपीज। अगर कलेक्शन सही बैठे देन 57 करोड़ भी आ सकता है आज का कलेक्शन, हम लोग 56.50 करोड़ पकड़ के चलते हैं। सो गाइज, गदर द्वितीय 5 दिनों में 230 करोड़ का रिकॉर्ड तोड़ फोड़ के लिटरली बॉक्स ऑफिस पे बाम्बू हैमर स्लैश हैमर सब कुछ मारा है। 230 करोड़ 5 दिन में अविश्वसनीय, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर इन द हिस्ट्री ऑफ हिंदी सिनेमा। ओके, अब यह ऑफिशियल कलेक्शन आएगा उसके बारे में रिकॉर्ड्स कौन से कौन से तोड़े मैं आपको आराम से बताऊंगा, लेकिन द फुटफॉल्स एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट, मोर देन 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ का फुटफॉल यानी कि टिकट सोल्ड हुआ है गदर द्वितीय का, तो अपने आप में एक उपलब्धि है, ऑल थैंक्स टू द वेरी लो टिकट प्राइजेस। टिकट के शुल्क, टिकट के दाम, टिकट के भाव, टिकट के प्राइस जो थे वो बहुत ही रीजनेबल थे, 210 रुपए का एक एवरेज टिकट प्राइस था एक सिनी गोवर के लिए। एंड सिंगल स्क्रीन में जहां पर 80-90 रुपए के टिकट हुआ करते हैं वहां पर भी पब्लिक ने इसे भर भर कर लूट लूट के देखा। तो गाइस, अब बात करते हैं कि लास्ट टाइम हम जब मंडे का कलेक्शन देखे थे जो कि सबसे लोएस्ट था 38.70, वहां पर इसकी एडवांस बुकिंग हुई थी 13.05 करोड़ की यानी कि 13.05 करोड़ की। आज इसका वेडनेसडे कई जगहों पर पासिंग ईयर के कारण वर्ष छुट्टी भी है लेकिन कई जगहों पर नहीं है, तो गाइज ये एक 50-50 सिनारियो होगा। डिस्पाइट ऑल दैट, ब्रेस योरसेल्फ्स एंड रिकॉर्ड वेडनेसडे एडवांस बुकिंग फॉर एनी आउटराइट हिंदी फिल्म 10.80 करोड़।
यस मेरा भाई, ये कलेक्शन नहीं है गदर का वेडनेसडे का, दिस इज जस्ट द एडवांस सेल्स फॉर गदर टू, द फीवर द यूफोरिया विल नॉट स्टॉप। एंड ये बस कल का वेट एंड वॉच का दिन है, क्योंकि कल थर्सडे है, उसके बाद फ्राइडे सैटरडे एंड संडे ये वापस बॉक्स ऑफिस पर गदर मचाएगा। आज के समय में जहां पर शेल्फ लाइफ एक फिल्म की सिर्फ और सिर्फ उसका एक्सटेंडेड वीकेंड होता है, यहां पर गदर द्वितीय एक अलग नजारे दिखाएगा सब लोगों को बॉक्स ऑफिस पे ये आने वाले संडे को। ओके, सो 10.80 करोड़ की एडवांस बुकिंग हुई है एंड 4,46,650 टिकट्स आर सोल्ड। ये जो नंबर है मैं अभी बोल रहा हूं, एक सपना होगा आने वाली फिल्मों के लिए अपने फाइनल एडवांस बुकिंग करने का, जो गदर अपने पांचवें दिन पर कर रही है। एंड गाइस, अब ऐसा लग रहा है कि सनी देओल की ये फिल्म भी वो फिल्मों की फेयरलिस्ट में आ जाएगी जिन्होंने कंसेक्यूटिवली 6 दिनों तक 30+ करोड़ रुपए की कमाई की है। गदर टू नाउ हैज 2 डेज विद 40+ करोड़, 2 डेज विथ 50+ करोड़ एंड 1 डे विथ 30+ करोड़। आई थिंक 30+ करोड़ की श्रेणी में एक और नंबर जो है वो एड होने जा रहा है। अब बात करते हैं ऑल इम्पोर्टेंट शो काउंट की। दे गाइस, आफ्टर अ वेरी बिग हॉलीडे शोज आर बाउंड टू बी डिक्रीज बाय 20-30%। सरल भाषा में बताऊं तो आपको अगर कोई बड़ी छुट्टी के बाद एक फिल्म आती है, जैसे कि एक वीकेंड के बाद इंडिपेंडेंस डे के बाद, तो ऑटोमेटिकली जो अगला दिन रहता है वहां पर मल्टीप्लेक्स जो एक्स्ट्रा शोज अकोमोडेट करते हैं उनकी संख्या जो है वो कम हो जाती है। यहाँ पर मुंबई में कल 860 था, लेकिन लुक एट द ड्रॉप, इट इज जस्ट 15 शोज, 845 एंड 75 हाउसफुल ऑन अ वेडनेसडे ऑन पारसी न्यू ईयर इज ब्रिलियंट। यानी कि पब्लिक की भूख जो है वो गदर से मिटी नहीं है एंड 20% की शुरुआती ऑक्यूपेंसी लेकर मैदान में उतरा है। बात करो दिल्ली एनसीआर की, 1087 से 1066 शोज हुए हैं, 90+ हाउसफुल एंड 20% की ऑक्यूपेंसी है। कैपेसिटी इश्यू होने के कारणवश बहुत लोग कल के बदले आज जा रहे हैं फिल्म देखने के लिए। एंड गाइस, बात करूं अब इसके मेन क्राउड की, जो कि अब तक निकला भी नहीं है, पता है ना वो कौन? कॉलेज स्टूडेंट्स वो जब आएंगे ना बॉस, क्योंकि फ्राइडे सैटरडे संडे था, ऑलमोस्ट वीकेंड समय छुट्टियां थी, या फिर क्या मंडे इंडिपेंडेंस, ये सब घूमने के लिए गए थे, थोड़ा 5 डे वीकेंड, वेडनेसडे थर्सडे, कल से जब सब लोग कॉलेज जाएंगे और जब बंक होगा तो फिर ओहो थिएटर में ग्रुप जाएगा कॉलेज का, भर भर के कॉलेज स्टूडेंट्स जाएंगे एंड फिर 15-20 सीट लेकर जाते हैं साथ में और फिर धमाका करेंगे। इट विल बी एब्सोल्युटली क्रेजी। इफ यू आर गोइंग इन द सिनेमा हॉल, इफ यू आर वॉचिंग गदर, प्लीज अपलोड योर रिएक्शन ऑन सोशल मीडिया, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले एग्जैक्टली क्या, किस किस्म का यूफोरिया गदर 2 कर रही है। बात करो पुणे 323 शोज में 15%, बेंगलुरु 189 शोज में 20%, हैदराबाद 191 शोज में 11, अहमदाबाद इज ब्रिलियंट, अरे 563 शोज ऑन अ वेडनेसडे, 100 हाउसफुल शोज इज इनसेन, चेन्नई 42 में 21 हाउसफुल है। बात करूं सूरत की, 330 शोज में ऑलमोस्ट 18% ऑक्यूपेंसी है एंड चंडीगढ़ में 144 शोज में 25 फुल है। इसलिए गाइस माय प्रेडिक्शन फॉर गदर द्वितीय ऑन इट्स 6th डे इज 28 से 30 करोड़। मैं बहुत ही मिनिमल रख रहा हूं, मैं चाहूं तो 32-33 भी कह सकता हूं, नहीं रियलिस्टिक है वही कह के जाऊंगा, लेकिन रात को अगर कम आया तो उम्मीद ना टूटे आप लोगों की। 28-30 करोड़ ऑन अ 5th डे विच इज अ वेड ऑन अ 6th डे विच इज अ वेडनेसडे इज अ बिग अचीवमेंट। इट विल क्रिएट ऑल टाइम फर्स्ट वेडनेसडे रिकॉर्ड टूडे, यानी कि ऑल टाइम पहले वेडनेसडे का रिकॉर्ड गदर क्रिएट कर देगा अगर वो 30 करोड़ के ऊपर कमाता है। अगर ये फिल्म 30 करोड़ कमाती है, ब्रेस योर सेल्फ, गदर 2 इन अ स्क्रीन काउंट विच इज सो लेस, स्क्रीन काउंट छोड़ दीजिए, टिकट प्राइस विच इज सो लेस एंड एक क्लैश होने के बावजूद 6 दिनों में इंडिया नेट कलेक्शन 260 करोड़ रुपीज कमाएगी, अ पैंडेमोनियम, इट इज अ कंप्लीट सुनामी एट द बॉक्स ऑफिस। एंड गाइस, अगर थर्सडे या 20 या 22 भी किया, गदर इतिहास रच के जाएगी कि 7 दिन में 282 करोड़ रुपया इज अ मैसिव 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 अचीवमेंट फॉर अ फिल्म विच रिलीज 22 ईयर्स लेटर, जिनको ये फिल्म आउटडेटेड लगी, जिन्होंने कहा कि ये फिल्म जो है वो 2000
2001 में जब बनी थी उसके बाद वापस से कभी बननी नहीं चाहिए थी। 2001 के हिसाब से ये फिल्म आउटडेटेड थी, उनको जनता ने जवाब दिया है 282 करोड़ रुपीस कमाकर सिर्फ और सिर्फ 7 दिन में। ऑडियंस वैलिडेशन इज द बिगेस्ट वैलिडेशन एंड आई डोंट थिंक इसके अलावा किसी और को कुछ बोलने या करने की जरूरत है। 7 डेज में 282 करोड़, एन ऑल टाइम इंडस्ट्री ब्लॉकबस्टर गदर 2। ओके गाइस, तो रात का इंतजार कीजिए जहां पर हम लोग मिलेंगे इसके यहां पर फाइनल बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन एपिसोड के साथ। गदर 2 नहीं देखी है, टिकट नहीं मिलने कारणवश जाइए आज अपने नजदीकी सिनेमा घरों में इस फिल्म को एंजॉय कीजिए। इसमें आमिर अंसारी साइनिंग ऑफ, यू आर गोना सी मी वेरी सून। टिल देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।